बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें अभी कम नहीं हो रही। हाल ही में मुंबई पुलिस ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। मुंबई पुलिस ने अश्लील फिल्म को बनाने और ऐप के जरिए उनको पेश करने के मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी का पूरा बयान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मैं मेरे काम में बहुत बिजी रहती थी और इस वजह से मैंने राज को कभी नहीं पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। फोन मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा के घर पर 23 जुलाई को छापेमारी के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने उनका बयान दर्ज किया था। इस दौरान शिल्पा शेट्टी ने कहा था, मैं किनारा बंगले पर पिछले 10 साल से रहती हूं। 3 साल पहले प्रदीप बख्शी परिवार के एक सदस्य की शादी में आए थे, तभी मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। शिल्पा ने अपने करियर के बारे में अपने बयान में बात करते हुए कहा, मेरा जन्म मुंबई में हुआ। बाजीगर फिल्म में बतौर हीरोइन काम मिला और इसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अब तक मैंने 360 फिल्मों में काम किया है। शिल्पा ने आगे राज कुंद्रा से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने बताया, साल 2007 में मैं बिग बॉस का शो करने के लिए यूके गई थी, जहां पर म्यूजिक शो डायरेक्टर फरहान हुसैन, जो कि कुंद्रा के कॉमन फ्रेंड है, उनके जरिए राज कुंद्रा से मुलाकात हुई। पहचान दोस्ती और दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर 22 नवंबर 2009 में हमने शादी कर ली। राज कुंद्रा NRI होने की वजह से शादी से पहले ही मैंने उनसे कहा था कि शादी के बाद मुझे भारत में रहना है। इसके बाद हम शादी के बाद भारत में रहने के लिए आ गए। शिल्पा ने बयान में आगे कहा कि साल 2009 में राज कुंद्रा ने IPL में राजस्थान रॉयल नाम की टीम में 75 करोड़ रुपए निवेश किए। इस कंपनी में 4 विदेशी पार्टनर हैं, जिसमें राज कुंद्रा की 13% भागीदारी है। IPL में कुंद्रा पर बेटिंग के आरोप लगने के बाद उन्हें राजस्थान रॉयल की भागीदारी से निकाल दिया गया था। उन्होंने आगे कहा, साल 2012 में कुंद्रा ने संतयु गोल्डन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की। इसके बाद बेस्ट टीवी प्राइवेट सेलिब्रिटी होम शॉपिंग नाम की कंपनी शुरू की। साल 2015 में राज कुंद्रा ने विहान इंडस्ट्री लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की। इस कंपनी के माध्यम से एनिमेशन, कार्टून और एप्लीकेशन बनाने का काम किया जाता था। इस कंपनी में मेरा 24.50% शेयर है। इस कंपनी में 7,000 शेयर होल्डर हैं। शिल्पा के अनुसार विहान में राज कुंद्रा डायरेक्टर हैं और उमेश कामत एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद पर काम करता है। इस कंपनी में 2015 से जुलाई 2020 तक डायरेक्टर के पद पर थी और फिर व्यक्तिगत कारणों से पद से इस्तीफा दे दिया। दिसंबर 2020 में व्यापार बढ़ाने के लिए JL स्ट्रीम नाम की कंपनी शुरू कर दी। आगे जानकारी देते हुए शिल्पा शेट्टी ने कहा, उमेश कामत वियान इंडस्ट्री में काम करता है। उसे फरवरी 2021 में गिरफ्तार किया गया। इस बारे में पता चलते ही मैंने इस बारे में पूछा तो राज ने बताया कि उमेश कामत और गहना वशिष्ठ ने स्वतंत्र रूप से अलग से अश्लील वीडियो बनाकर उसे बेचा था। बोली फेम इस OTT के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इसके अलावा मुझे आज पता चला कि वियान कंपनी से हॉटशॉट के लिए बयान गए अश्लील वीडियो प्रदीप बख्शी के केरिन कंपनी को भेजे जाते थे। इसके साथ ही शिल्पा ने कहा, मैं मेरे काम में इतना व्यस्त रहती हूँ कि इस वजह से मैं राज कुंद्रा से पूछ नहीं पाती कि वो क्या काम करते हैं।